हेलो व्यूअर्स, अर्बन बायोफ्लॉक की तरफ से आप सभी को वेलकम हम लोगों के चैनल के नए वीडियो में। आज इस लॉकडाउन स्थिति में हम लोग जो विषय आप लोगों के सामने ला रहे हैं वो एक बहुत ही पूछे जाने वाला विषय है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में या किसी भी फिश फार्मिंग में। कौन सा मछली से फार्मिंग शुरू किया जाए, कौन सा मछली करने से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हैज़र्ड या दिक्कतें कम आएगी, तो हम लोग इस दुविधा को दूर करते हुए सभी को बताना चाहते हैं कि अगर आप बायोफ्लॉक शुरू करना चाह रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि आप बायोफ्लॉक करके प्रॉफिट कमाएंगे, तो शुरुआत में जब बायोफ्लॉक सीखने वाला बारी हो, एकदम शुरुआत की बारी हो, तभी आप लोग जो फिश को चुने वो तेलापिया हो, क्योंकि तेलापिया एक बहुत ही हार्डी फिश है। ये पार्च फैमिली के फिश हैं और इसमें जो डिजीज़ है ये बहुत कम आती है। आज हम लोग तेलापिया के बहुत सारे वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली फार्मिंग होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। सारे विश्व में जितने मछलियां हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वेराइटी में पाए जाने वाली मछलियों में तेलापिया आता है। कार्प एक ऐसा मछली है जो सारे विश्व में बहुत सारे वेराइटी में मिलते हैं और फार्मिंग भी होते हैं। तेलापिया भी वैसा एक प्रजाति है जिसको सारा विश्व में बहुत जगह पे फार्मिंग होता है, फिशिंग होता है और खाए जाते हैं। अमेरिका से लेके एशिया तक सारे विश्व में तेलापिया मछली खाए जाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि ये तेलापिया कितने तरह के होते हैं और बायोफ्लॉक में हम लोग इंडिया में कौन से तरह के तेलापिया को फार्मिंग करेंगे और उसमें क्या प्रॉफिट है। पहले तो हम ये जान ले कि तेलापिया पार्च फैमिली मछलियों से बिलोंग करती है और ये बहुत सारे वैरायटी में सारे विश्व में मिलते हैं। सारे विश्व में इसके तीन कॉमन प्रजातियों को फार्मिंग या फिशिंग के द्वारा खाए जाते हैं, जिनमें से पहला प्रजाति है ब्लू तेलापिया। ये सारे अमरीकी प्रदेश में ज़्यादा खाए जाते हैं, वहाँ पे नेचुरल जो लेक्स हैं उसमें बहुत सारे क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं और ये नेचुरली वहाँ पे ग्रो करते हैं। फार्मिंग भी इसका बहुत जगह पे होता है, वहाँ के लोग इसे बहुत स्वादिष्ट मछली मानते हैं। किसी किसी जाइंट तेलापिया जो बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं लेक में रह के, वो ऐसे साइज़ के आते हैं। दूसरा सबसे कॉमन जो प्रजाति है वो है नाइल तेलापिया, जो अफ्रीका और इसराइल में उत्पन्न होके अभी एशिया में भी बहुत पॉपुलर है और इंडिया में इसी तेलापिया को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और खाते हैं। आखिर में हम लोग जो तेलापिया का बात करेंगे वो है मोजाम्बिक तेलापिया। मोजाम्बिक तेलापिया थोड़ा दिखने में काला रंग का होता है, जो ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में मिलते हैं और खाए जाते हैं। बंगाल के नेचुरल पॉन्ड्स में मोजाम्बिक तेलापिया के तरह एक ब्लैकिश तेलापिया भी मिलते हैं, जिसको पॉन्ड ग्रोन लोकल देसी तेलापिया बोलते हैं। वो नॉर्मली नाइल पर्च और मोजाम्बिक के बीच का ही एक ब्रीड जो सालों से यहाँ रह के ग्रो हुआ है। अभी आते हैं बायोफ्लॉक में सबसे चर्चित विषय गिफ्ट तेलापिया के बारे में। गिफ्ट तेलापिया का मतलब है जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म्ड तेलापिया। वर्ल्ड फिश नामक संस्था जो विश्व भर में मछलियों के रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, उस संस्था ने तेलापिया के ऊपर रिसर्च करके ये स्पेशल तेलापिया का ब्रीड आविष्कार किए हैं और इसका विशेषत्व ये है कि ये बहुत कम दिनों में ग्रो हो जाता है और जेनेटिकली बेहतर किस्म के नाइल तेलापियाज हैं। अभी आते हैं, अगर आपको तेलापिया मछली का खेती करना है तो आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तेलापिया खेती में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये मोनोसेक्स होना चाहिए। मोनोसेक्स का मतलब है सिंगल सेक्स, जो कि एक ही तरीके का लिंग का मछली, अर्थात मेल मछली, जो आपके टैंक में या आपके पॉन्ड में खेती के दौरान प्रजनन ना करे। अगर मेल फीमेल दोनों रहेंगे तो आपको पॉन्ड में या आपके टैंक में जहाँ भी आप खेती करेंगे उस मछली का प्रजनन हो सकता है और खेती सक्सेसफुल नहीं होने देता है, और इसको एक हार्मोन ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे हार्मोन्स इसमें यूज़ होते हैं, जिनमें से एक है मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। इसका एक कोर्स होता है, उस कोर्स के हार्मोन ट्रीटमेंट के बाद मछलियाँ बहुत देर तक अंडे नहीं देते, उसमें आप इसका खेती बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं। नाइल तेलापिया में
गिफ्ट को अगर देखेंगे तो वो उसका सीड ऐसे दिखने में होगा। आप यहाँ पे थोड़ा नज़र कीजिए, नाइल तिलापिया जैसे दिखने में होता है, जैसे उसमें एक मार्किंग रहता है, स्ट्राइप रहता है ब्लैक कलर का, गिफ्ट तिलापिया में भी आप वही स्ट्राइप देख पा रहे हैं। और इसका टेल जो होता है छोटे बच्चे में एकदम रेड कलर का होता है, इससे आप आसानी से गिफ्ट तिलापिया पहचान सकते हैं। अगर मोनोसेक्स नॉर्मल तिलापिया को आपको पहचानना है तो उसका टेल रेड नहीं होता है इतना ज़्यादा, लेकिन स्ट्राइप्स रहते हैं। इससे आप आसानी से तिलापिया सीड्स खरीदते समय सही तिलापिया चुन सकते हैं। कल्चर का सक्सेस सही सीड चुनने में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप सही हेल्दी प्रिजर्व्ड किया हुआ ब्रूडर से सीड्स चुन पाएँ तो वो आपके कल्चर के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगा। तिलापिया सबसे कम समय में ग्रो होके मार्केटेबल साइज में आ जाता है। गिफ्ट तिलापिया के लिए कुछ मछली 2 महीने के आसपास मार्केटेबल साइज हो जाएंगे और नॉर्मल नाइल मोनोसेक्स तिलापिया में 3 महीने 3.5 महीने के अंदर आपके सारे तिलापिया मार्केटेबल साइज में आ जाएंगे। तिलापिया का FCR लगभग 0.5 से 0.6 तक वेरी करता है। इसमें आप नेचुरल फीड इस्तेमाल करके इसका FCR और घटा सकते हैं, जिसके लिए इससे पहले वाला वीडियो हम लोगों के चैनल में आप देख सकते हैं। तिलापिया मछली बहुत ज़्यादा फ्लॉक को खाती है। अगर आपके फ्लॉक बहुत ही प्रोटीन युक्त हो तो उसे तिलापिया खा के आपका FCR घटाने में बहुत मदद करता है। तिलापिया कल्चर में आप लोग आसानी से 400 से 700 किलो तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। एक 10,000 लीटर टैंक में एक कल्चर में आपको मिनिमम 20 से 25,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। तिलापिया को लेके और कोई भी जानकारी या बायोफ्लॉक विषय में और दूसरा जानकारियों के लिए आप किसी भी समय हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर ऑलवेज खुले रहते हैं, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप पहले बार हमारे चैनल में आए हैं। आगे बहुत सारे ऐसे जानकारी वाला वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।